अभी मैं बाढ़ प्रवाहित क्षेत्र नुरलापुर के गांव में हूँ। घाघरा नदी से 1 किलोमीटर दक्षिण और बंधे से 3 किलोमीटर उत्तर के सेंटर में मैं खड़ा हूँ और ये नुरलापुर का गांव है। इन तस्वीरों को आप दिखाएं जहाँ मैं खड़ा हूँ, एक रास्ता है, ये रास्ता भी नहीं बचा है। यहाँ इस रास्ते की ऊंचाई है इसलिए यहाँ पानी अभी नहीं आया है, लेकिन आप इसके चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पानी दिखेगा। और आगे जो गांव है नुरलापुर का, लगभग 70 से 75 घर है, वो उन सभी घरों में इस बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। लोग परेशान हैं, कितने लोग अपने घर में ताला लगाकर दूसरे जगह जा चुके हैं या प्राइमरी विद्यालय में अपना शरण लिए हुए हैं। जिन लोगों का घर थोड़ा ऊंचाई पे है वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी घटेगा, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपके जहन में तमाम सवाल आ रहे होंगे कि आखिरकार इस बाढ़ प्रवाहित क्षेत्र के लोग अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, इनका दिनचर्या का सामान कैसे आता होगा, क्योंकि ये पानी के बीच में खड़े हैं लोग, चारों तरफ पानी है, ना ये मोटरसाइकिल से जा सकते ना पैदल जा सकते, ये नाव के सहारे बड़ी ज़रूरत पड़ने पर ये इनका आवागमन चालू रहता है। किसी के घर तबीयत खराब हो जाए, ख़ास तौर से बाढ़ के समय में सांप ज़्यादा काटते हैं, और सांप काट देने के बाद आपको जो बुद्धिजीवी लोग होंगे उनको पता होगा कि महज 30 से 40 मिनट का समय होता है, अगर आप उस इतने ढेर के अंदर में उस सांप काटने का इंजेक्शन नहीं लिया तो जानें भी चली जाती हैं। तमाम समस्याओं के साथ ये लोग अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। दादाजी हैं, उम्र इनकी काफ़ी है, काफ़ी कुछ इन्होंने देखा होगा अपने समय में। क्या नाम है आपका? राजेंद्र चौहान। राजेंद्र चौहान जी, इस समय बाढ़ प्रवाहित क्षेत्र है आपका, कितनी समस्या हो रही है आप लोग को? समस्या का भैया बहुत समस्या, खेती बाड़ी सगरी बही भी लागे सब सड़ पाक गए, हम अले गए खातिर बहुत समस्या हुए, रास्ता खातिर हम उनका बहुत समस्या है, घर द्वार भी सब जलाजल हो गई। आपके सामने मतलब कि सगरी बात देखते बानी हैं तो हमन के बहुत समस्या है भैया, अले गले में बहुत दिक्कत होती है, रास्ता खातिर हमन के बड़ी दिक्कत होती है, और ही कहा बतलावल जाए, अब हमन के तो बुद्धिये सब खराब हो गए बाटे। ये जो आपकी फसलें हैं जी, खास तौर से आप लोग गन्ना की खेती करते हैं, जो धान की फसल आप लोगों ने बोया था, ये फिर मिल जाएगी आप लोगों को कि नहीं मिल पाएगा ना? सब सड़ गए एकदम, रेणा में आई लल फूटत रल और सब सड़ गए, वो करे लगभग छाती भर और नटे भर पानी के नीचे वो तैर रहा है फसल, तो अब कहाँ मिल पाएगा बतलाई, लड़का भूखे खैले बिना मर जाए हैं। अब हमन की लगे समस्या तो बहुत हुए कि अगर आई रिंग बंधा का अगर समस्या हमन को हल हो जाए तो बहुत बहुत बढ़िया कल्याण हो जाए। बहुत अच्छा आपने नाम लिया है रिंग बंधा का। जब चुनाव का समय था तो बड़े बड़े मंचों से यहाँ के नेता विधायक इस चीज़ को बोलने से परहेज नहीं करते थे कि मैं चुनाव जीतूंगा तो बंधा बनवाऊंगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी यहाँ की स्थिति पहले के जैसे ही है, और यहाँ के लोग आज अपना घर छोड़ने को और जिस घर को इन्होंने बनाया उस घर का ईंटा निकालने को, उस घर को तोड़ने को मजबूर है। स्थिति काफ़ी दयनीय है। ये वृद्ध हैं, ये अपनी जो कंडीशन बताकर बया कर रहे थे, इनके शब्दों का जब आप आकलन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं एक दो लोगों से और बात कर लूँ। हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। रामविलास भैया, पिछले साल मतलब कि राजू चौक पर मुलाकात पहला भइल, और उनसे यही निवेदन किया गया कि थोड़ा हम लोग के रिंग बंधे का थोड़ा भाई आप मदद करें हैं, तो पहला प्रस्ताव तो भाई जोगी जी अना तो मधुबन में बेचारे कैना, लेकिन अब अहिले कुछ पता ना चलल, तो हमन का भाई बहुत परेशान है, और इस समय आपके सामने मैंने देखी है टाटी मड़ई घर द्वार सब थाला एकदम से पानी में तैर रहा है हैं, अब हम और क्या बात बतलाएं। चलिए, ये कंडीशन है देवरांचल की, देवारा बेल्ट की ये कंडीशन है। अगर यहाँ का तेज तरार विधायक होता, काम के व्यक्ति अगर होते, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते,
तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड कर दिया गया होता और यहाँ की चीज़ों से उनको अवगत करा दिया गया होता और यहाँ की समस्याओं पर काम होता। तमाम सारी चीज़ें हैं। मैं अब आपसे जुड़ना चाहूँगा, हाथ में लाठी लिए हैं आप, क्या नाम है आपका? नंद कुमार चौहान। क्या समस्या है इस समय आप? साहब समस्या बहुत जटिल है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, सब पानी से घर में सब पानी घुस चुका है इधर। कैसे आप लोग का जो रोजी रोटी का काम कैसे चल रहा है? क्या आप लोग बैठे हैं, क्या रोजी रोटी काम करें? कुछ धंधा पानी नहीं, स्थिति काफी दयनीय है। अब मैं आपसे जुड़ूं, आप युवा हैं और आप इसी गांव के निवासी हैं, क्या नाम है आपका? शिवानंद यादव मेरा नाम है। शिवानंद जी, इस समय तो मुझे लगता है आप लोग पढ़ाई लिखाई भी करने नहीं जा पाते होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बच्चों का पेपर था आज और छूट गया है, नहीं गए हैं, कोई भी बच्चा नहीं गया है। बाढ़ में बहुत स्थिति खराब है, रोड कहाँ गढ़ा है, कहाँ पानी है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बच्चे जाएंगे कहीं डूब जाएंगे, कुछ हो जाएगा, कोई देखने नहीं आ रहा है। चुनाव के टाइम पर बहुत लोग आते हैं, हर पार्टी के लोग आते हैं और चले जाते हैं, बड़े बड़े वादे करके, कोई अपना वादा नहीं निभाने आता है। न यहाँ आवास दिए हैं, न कोई रोड सही है, न बंधा सही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों से जान लूँ, पीछे और लोग खड़े हैं, यहाँ के विधायक जी आए थे क्या यहाँ? जी जी, विधायक जी आए थे। जब से बाढ़ आई है तो विधायक जी इस क्षेत्र का दौरा करने या आप लोगों से हालचाल करने आए थे? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नेता नहीं आया। जी नहीं, कोई आया था? नहीं, नहीं कोई नहीं आया, नहीं आया। चुनाव बाद कोई आता ही नहीं है, न आया है, आज ही नहीं, बहुत साल पहले से चुनाव हो रहा है, चुनाव में आते हैं उसके बाद किसी का पता नहीं चलता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है, सिर्फ वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने के बाद निकल जाते हैं। चलिए, समस्याएं बहुत हैं। यहाँ के जिम्मेदार लोगों को मैं फिर एक बार इस वीडियो के माध्यम से बोलूँगा कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें। इनके सुख दुख में आप रहने का वादा करते हैं, चुनाव जीतने के बाद आप इन लोगों को भूल जाते हैं, इनको भी आप याद करें और देवरांचल के लिए कुछ काम करें कि यहाँ की जनता अपना जीवन खुशहाल तरीके से व्यतीत करे। धन्यवाद।